वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरा मन हुआ कि मैं अपनी बालकनी में बैठ के शूट करूं, क्योंकि मेरे गुलाब के पौधे में बहुत सुंदर सुंदर फूल आए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, आजकल गुलाब के फूलों का सीजन है, तो आप लोगों के घर भी जिनके यहाँ गुलाब का पौधा है तो बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे होंगे। आपको कैसा लगा मेरा गुलाब का पौधा, कमेंट करके बताइएगा। आज मैं आपके साथ व्रत में खाने वाले कुट्टू के आटे के परौंठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये 1 कटोरी कुट्टू का आटा। ये मैंने छोटे साइज के हैं इसलिए 4 बॉयल आलू ले लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है और थोड़ी हरी मिर्च है। तो चलिए बनाते हैं कुट्टू के आटे के परांठे। ये देखिए, परात में मैंने कुट्टू के आटे को छलनी से छान लिया है। अब मैं इसमें बॉयल आलू मिक्स कर दूंगी। मैंने बॉयल आलू को ग्रेट कर लिया है, अब हम इसे आटे में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और ये थोड़ी सी हरी मिर्च मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा ये हरा धनिया। व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे। और थोड़ा सा भुना जीरा। आप अगर इसमें से कोई भी चीज व्रत में नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। इसको पहले बिना पानी के ही हम हल्का हल्का सा गूंद लेंगे, फिर धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम जाता है। और जिस टाइम आपको पराठे खाने हो उसी टाइम ही आटे को गूंदें, पहले से गूंद के इसे नहीं रखते, क्योंकि फिर ये आटा बहुत ढीला हो जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालेंगे। वैसे तो कुट्टू के आटे की पूरी भी बनती है, वो भी टेस्टी बहुत लगती है, लेकिन वो डीप फ्राई हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा हैवी हो जाती है, तो परांठे में ऑयल थोड़ा कम लगता है। मैं तो जैसे अगर व्रत के लिए बनाओ तो घी यूज कर लो, अगर व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं आप। मैं इसमें अब थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही डाला है मैंने, 3 बार डाला है, लेकिन ज्यादा नहीं डाला, आधा आधा चम्मच करके ही डाला है। आपको लग रहा होगा कि काफी ज्यादा डाल दिया, ज्यादा नहीं डाला है। कई लोग इस आटे में भुनी हुई पिसी हुई कच्ची मूंगफली भी डालते हैं, अगर आप लोग लाइक करते हो तो डाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ा टाइट ही डो लगाना है, बहुत ढीला डो नहीं लगाना है इसका। हल्का सा पानी में हाथ में लेके ये देखिए गुंद गया आटा, ये देखिए गुंद गया आटा। तो चलिए अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं अब गैस पे तवा मैंने गैस पे रख दिया है, बस मैं अब
गैस स्टार्ट कर देती हूँ, जरा हाथ धो के आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ किस तरह से मैं पराठे बनाती हूँ। ये मैंने चकले पे एक पॉलिथीन को बिछा लिया है, साफ धो के अच्छी तरह से उसपे थोड़ा सा घी लगा दिया है। ये देखिए चकला है नीचे, तो मैंने पॉलिथीन बिछा दिया है। और अब हम एक ये पेड़ा ले लेंगे। पराठे बनाने के लिए इसमें पेड़ा थोड़ा सा बड़ा ही लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, और इसको सूखे आटे में, थोड़ा कुट्टू का ही आटा है ये सूखा, इस तरीके से कर लेंगे। और इसको यूं करके रख के, और इस पॉलिथीन को इस तरह से इसके ऊपर कर देंगे, और एक ये प्लेट की हेल्प से इसको यूं करके हल्के से दबा देंगे। एक आध बार और दबाएंगे इस तरह से। ये देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा इस पॉलिथीन पे फिर से एक बार घी लगा रही हूं तरीके से, और इसको मैंने पेड़े को उलट के रख दिया है। एक बार हम और इसको प्लेट से दबा देंगे। इस तरह से साइड साइड से भी हल्के से पेड़े को दबा दें। मैं आपको उठा के दिखाती हूं। मैं गैस पे तवा रख दिया है, तवे पे हम पहले हल्का सा घी लगा लेंगे। मैं आपको पहले इसको यूं करके उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए ये है, अब हम इसको तवे पर डायरेक्ट ही डाल देंगे। ये देखिए अपने हाथ में इस तरह से थोड़ा सा घी लगा के, ये देखिए मैं उसको ना हल्का हल्का सा बीच से ऐसे पतला कर ले रोटी को, और फिर ये देखिए इस तरीके से हाथ पे आ जाती है रोटी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से हाथ पे आ गई। और अब इसको तवे पे रख देते हैं, गैस को थोड़ा कम कर देती हूँ ऐसे। बस इसे मीडियम आंच पे अब हम सेक लेंगे। ये देखिए पराठे को अब हम पलट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए कितना इजी पलटा गया पराठा। मैं आंच थोड़ी कम कर देती हूँ, मेरी आंच थोड़ी तेज हो गई है गैस की। इस तरीके से थोड़ा सा घुमा लीजिए उसको पकाने के लिए, जिस साइड से पकाना है। और थोड़ा सा ये देखिए घी डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से बढ़िया तरीके से घूम रही है। इस तरह से इसे लाल लाल सा सेक लें धीरे धीरे मीडियम आंच पे। और आप लोग ये कुट्टू के आटे के पराठे किसके साथ खाना पसंद करेंगे? हम तो दही के साथ खाते हैं, आलू की सब्जी के साथ खाते हैं। आप लोगों के घर में किस किस चीज के साथ खाया जाता है मुझको कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए थोड़ा सा मैं अभी आपको इसको पास से भी दिखाऊंगी, क्योंकि कुट्टू का आटा काला होता है, तवा भी जरा काला काला होता है, तो इसलिए आपको इसके ऊपर पकावा दिख नहीं रहा होगा। मैं अभी आपको इसको थोड़ा पास से भी दिखाऊंगी।
ये देखिए सिक गया है पराठा, ये देखिए मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सिका है पराठा, दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से अब मैं आपको एक दूसरा पराठा भी बेल के दिखाती हूँ। गैस को मैं अभी बंद कर देती हूँ, दूसरा पराठा भी आपको बेल के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने पेड़ा ले लिया, घी थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। सूखे कुट्टू के आटे में इस तरीके से करके इस तरह पॉलिथीन पे बनाने से ना, रख के बनाने से तो फिर ये चिपकता नहीं है, मतलब इजीली उठाया जाता है हाथ में। वैसे हम डायरेक्ट इसको बेलन से बेलेंगे तो फिर वो उठाया नहीं जाता हाथ में। देखिए हाथ से थोड़ा सा इसे यूं कर लिया, फिर इसको ये पॉलिथीन पे भी थोड़ा सा और ऑयल मतलब घी लगा लिया इस तरफ भी। देखिए ताकि वो आसानी से बड़ी हो सके, मतलब पराठा आसानी से बड़ा हो सके। आप अगर बेलन से इस तरह से करना चाहते हैं तो बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्लेट से ज्यादा इजी लगता है तो मैं फिर प्लेट से ही कर लेती हूँ। देखिए इसको यूं करके दबाएंगे ऐसे, ये देखिए तो फिर हम पलट लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा इस पे सूखा आटा स्प्रेड कर देते हैं। यूं करा फिर से हल्का सा इसे फिर दबा दिया। ये देखें और इसको हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा बीच से हाथ से थोड़ा फैला लिया। ये थोड़े से मोटे ही बनते हैं। अब मैं गैस जला लेती हूँ, हल्का सा लगाए घी तवे पे। ये देखिए मैं किस तरह से निकाल रही हूँ, ये देखिए आपके सामने ही मैंने इसको निकाला है। बस इसको इस तरह से तवे पे डाल देंगे, आंच मीडियम कर देंगे। और जैसे हमने पहला पराठा सेका था, इसको भी हम धीरे धीरे से सेक लेंगे। ये देखिए अब मैं पराठे को पलट रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से पलट दिया मैंने। थोड़ा थोड़ा सा घी साइड पे डाल देंगे, देखिए कैसे इजीली घूम रहा है पराठा। इस तरह से थोड़ा दबा देंगे, तरह से हम दूसरे पराठे को भी लाल लाल सेक लेंगे। देखिए सिक गया है ये पराठा, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए कितना अच्छा सिका है पराठा। तो आज की मेरी रेसिपी कुट्टू के आटे के पराठे की यही फिनिश होती है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने घर में कुट्टू के आटे के पराठे बनाइए और खाइए, और मुझे भी कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।
ये देखिए मेरा तो प्लेटर रेडी है कुट्टू के आटे के पराठे और दही।